नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल और आज हम बात करने वाले हैं अंतरिम बजट के बारे में जो कल निकला था। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्या क्या है इसमें, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता दें दोस्तों, हमारे चैनल के साथ 85,000 ग्रामीण डाक सेवक जुड़े हुए हैं। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो अभी आपको बताते हैं ये जो बजट निकली है कल, जो बजट अंतरिम बजट है, पूरी बजट नहीं है, पूरी बजट जो जुलाई में निकलती है वो तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या खास बातें थी, क्या ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कुछ था तो इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्या था तो हमारा जवाब सीधे सीधे होगा, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ चैनल यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इस जो बजट में है तीन बड़ी बातें आई, पांच बड़ी बातें आई, तो हम उसको हम बताना चाहेंगे, सभी ग्रामीण डाक सेवक को जागरूक करना चाहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कुछ नहीं था। तो अभी आपको एक और बात इम्पोर्टेंट बता देते हैं, उन कुछ चैनल के लिए सभी चैनल ग्रामीण डाक सेवकों के बदनाम होते हैं। आपको बता दें GDS ऑफिशियल ग्रामीण डाक सेवक पर बनाया गया सबसे पहला चैनल था और अब का ये सबसे विश्वसनीय चैनल है। इसमें 85,000 ग्रामीण डाक सेवक जुड़े हुए हैं। आप दूसरे चैनल की बातें जब सुनते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा चैनल कैसी बातें करता है। तो यहाँ पर कोई भी झूठी न्यूज़ नहीं दी जाती है, ये एकमात्र चैनल भरोसेमंद ग्रामीण डाक सेवकों का, आपको पता ही होगा। चाहे SS महादेवैया हो, चाहे भारतीय पोस्ट जो भारतीय मजदूर संघ के यूनियन के नेता हो, और चाहे कोई भी यूनियन के नेता हो, इस चैनल से सीधे बात करते हैं और यहाँ सारी जितने भी बड़े इंटरव्यू यहाँ पे आते हैं। और ये जो ग्रामीण डाक सेवक को जागरूक करने के लिए पहला चैनल है, तो आप जो बाकी चैनल देखते हैं और वहाँ पे जाके आप झूठ देखते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि न्यूज़ झूठा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें, आपको चैनल जो है ये ग्रामीण डाक सेवक का एक ही विश्वसनीय चैनल है GDS ऑफिशियल, इसके बारे में हम बता दें। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बजट में कुछ नहीं था। अगर आप किसान हैं तो 6,000 रुपये साल में आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपके परिवार में से कोई किसान है। टैक्स तो वैसे भी नहीं लगना था, तो टैक्स की बात नहीं करते, टैक्स तो पहले भी नहीं दे सकते थे क्योंकि ग्रामीण डाक सेवकों की तनख्वाह कितनी है वो टैक्स देने के हकदार हो ही नहीं सकते, तो टैक्स के लिए कुछ इसमें नहीं है। और आपको बता दें बाकी जो चीज़ें हैं आप खबरों में देख चुके होंगे, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा बड़ी बातें करके फ़ायदा नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको बार बार बता रहे हैं। दूसरे चैनल देखकर आप घूमना होंगे, जैसे कि बताया गया कि एक चैनल है दोस्तों, ये बता रहा था कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होने वाला है, हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तक के लिए जो भी खबरें आएंगी आपको इस चैनल के थ्रू सच्ची खबरें मिल जाएंगी, ना बजट में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कुछ है। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।